किचन गार्डनिंग का ये एपिसोड 2 है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपने छत के ऊपर बिना मिट्टी के सब्जियां कैसे उगाएं। आप ये जो मेरे पीछे सब्जी देख रहे हैं ये बिना मिट्टी के उगाई गई है, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो है वो है खाद का, और जो ये कंपोस्ट तैयार किया गया है उसका है। कैसे तैयार किया गया है और कैसे आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ वंदना मैम हैं। इसके पहले भी इनका एक एपिसोड हम लेकर आ चुके हैं, ये सेकंड एपिसोड है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रत्नाकर जी। मैम सबसे तो मेन यही है कि बिना मिट्टी के आप सब्जियां उगा रही हैं, वो भी इतनी शानदार। जी इसमें ये है कि मिट्टी जब हम डालते हैं, मिट्टी से एक तो वजन ज़्यादा हो जाता है छत पे, दूसरा ये है कि मिट्टी इतनी पोरस नहीं होती, मतलब ये इतना आप देखिए भुरभुरा है, आप हाथ से भी अगर सिर्फ हाथ से भी गोडी करते हैं, गुडाई इसकी इजीली आप हाथ से भी कर सकते हैं, आपको किसी मतलब औजार की या किसी चीज़ की आपको खुरपी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो रूट्स की एरेशन के लिए, मतलब हमें ये मालूम है कि हमें जड़ों को भी हवा की ज़रूरत होती है, तो उनकी एरेशन के लिए ये मीडियम बहुत ही बढ़िया रहता है। दूसरा ये है कि इस मीडियम में पानी होल्ड करता है, ये मीडियम पानी रिटेन करने की वजह से हम पानी की बचत कर सकते हैं, बहुत बहुत इसमें पानी हम कम यूज़ करते हैं, हम पानी इसमें उतना ही डालते हैं जितनी ज़रूरत हो, हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो भी जड़ों को ख़राब करेगा। जैसे हम इसमें लड्डू टेस्ट करते हैं, इस तरह से इसमें से थोड़ा सा, लड्डू टेस्ट मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा नीचे से हम पानी मतलब इसको मीडियम को लेंगे और इस तरह मुट्ठी में बाइंड करेंगे, तो इसका ये लड्डू सा अगर बन रहा है तो मतलब इसमें अभी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो हम इसका पानी बंद कर सकते हैं, मतलब हमें इतना ही पानी देना है कि इसमें नमी रहे। हम लोग वैसे कहते हैं या किताबों में भी हमने हमेशा पढ़ा है कि पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, बट मैं कहती हूँ कि पौधे को सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है, पानी की नहीं, नमी की। सिर्फ उतना पानी दें जितना नमी नमी उसकी बनी रहे, मिट्टी की नमी बनी रहे, और अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो उससे भी आपकी जड़ें जो हैं पौधों की वो ख़राब हो जाती हैं। मैम जैसे आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो इसका वेट अगर देखें तो बड़ा हल्का सा दिख रहा है ये। जी बिल्कुल, ये जैसे एक छत के लिए रेकमेंडेड रहता है कि आप 25 किलोग्राम पर स्क्वायर फीट पे, एक स्क्वायर फुट पे आप 25 किलो का वजन डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 11-11.5 किलो का वजन आता है, मतलब आधे से भी कम, आधे से भी कम, तो ये इसलिए भी फायदेमंद रहता है। और इस मीडियम को तैयार हम करते हैं, कोकोपीट इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। कोकोपीट में हालांकि अपने कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, वो कुछ भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट नहीं दे पाता, लेकिन वो इस मीडियम की एक बेस बन जाता है, मीडियम का बेस बन जाता है, उसमें जब हम खाद वगैरह मिक्स करते हैं तो वो अच्छा एक भुरभुरा मीडियम बन जाता है, जिससे पौधों की पैदावार अच्छी रहती है। ठीक है, तो मैम ये इसमें पानी का कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नमी चाहिए, तो पानी की गेम अगर समझनी हो तो वो कैसे समझेंगे? पानी का जैसे आपको मैंने बताया कि पानी हमेशा आपने लड्डू टेस्ट करके ही पानी देना है। पहले आप अपनी इसमें देख लीजिए कि जड़ों के पास कितना पानी मौजूद है। अगर इस तरह से लड्डू आपका बन रहा है हाथ में, आप मिट्टी ये लेते हो, मीडियम लेते हो और आपका इस तरह बन रहा है, तो बेशक पानी ना दीजिए। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सूखा है तो आपको पानी की थोड़ी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए पानी का ध्यान रखें। मैम ये अगर बात करें तो आपने बिल्कुल पानी के लिए ये पाइपें भी लगा रखी हैं? ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस पे लगाया हुआ है हमने, तो इसमें हम ड्रिपर से पानी देने के फ़ायदे भी अपने अलग अलग होते हैं। इससे हम सिर्फ रूट्स को पानी देते हैं, मतलब ड्रिप से जब आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो तो आप सीधा जड़ों को पानी दे रहे हो, और जड़ों को ही पानी देने की ज़रूरत होती है, वही पानी वो जो है ग्रो करेंगे। पूरा पौधे की हर कोने तक
जड़ें ही पानी पहुंचाती हैं, तो जड़ों को पानी की ज़रूरत होती है, लीव्स को या पत्तों को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और लीव्स का ये है कि ज़्यादा उन पर पानी डलता है तो उस उन पर बीमारियाँ आने के भी चांसेस रहते हैं और वो गलते हैं, इसलिए लीव्स को इतनी ज़रूरत नहीं होती है पानी की। राइट, तो मैम जैसे आपने बताया कि इसमें और भी चीज़ें चाहिए, तो कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ, क्योंकि मार्केट में फिर घूमना पड़ेगा, कैसे अवेलेबल हो सकता है इसमें? जी मैं अर्बन ग्रीन फ्यूचर्स नाम से मेरी कंपनी है, उसमें मैं ये पूरा का पूरा सेटअप हम लोग आपको पूरा तैयार करके आपके घर में पूरा प्रोवाइड करवाते हैं, आपको जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पूरा का पूरा सेटअप हम लगा कर देते हैं इंस्टॉल करके, और साथ में हम आपको गाइड भी करते हैं कि कौन सी सब्ज़ी कब और कैसे लगानी है, आपने कैसे उसकी देखभाल करनी है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हम कुछ बायो स्प्रेज भी साथ में देते हैं कि सब्जियां जो हैं वो हेल्दी रहें और उन पे कीड़े या कुछ इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे उनको बचाया जा सके। ठीक है, कोई केमिकल हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं, बट बायो स्प्रेज हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये पूरे 100% ऑर्गेनिक रहेंगे? जी बिल्कुल ऑर्गेनिक रहेंगे। ठीक है मैम, केमिकल फ्री रहेंगे। अगर मैम हम इस पे पूरा टाइम स्पेंड भी करते हैं, अच्छा ध्यान भी रख रहे हैं, तो प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा फ़र्क आप देखते हैं कि हाँ भी अगर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरी गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं तो प्रोडक्शन अच्छी आएगी? वो डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट्स लगा रहे हैं, कितनी सब्ज़ी, कौन सी सब्ज़ी लगा रहे हैं, तो प्रोडक्शन डेफिनेटली अच्छी आती है अगर आप उस पर पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करते हैं। और प्रोडक्शन जैसे मैंने तो अभी अपनी फैमिली के लिए किया है, बट इसको कमर्शियल लेवल पे भी आप अपना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि प्योरिटी आजकल बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको और बेसिक बात ये हो जाती है कि आप जब सिर्फ अपनी छत से उतार के किचन में लेके जा रहे हो तो कहीं कोई हाथ नहीं लग रहा है, तो वो भी एक बहुत अहम फैक्टर है आज के कोरोना काल में, क्योंकि आजकल किसका हाथ लगा है, कहाँ से इन्फेक्शन आ सकती है, कहाँ से वायरस आ सकता है, इस चीज़ से हम लोग डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। जब लास्ट ईयर मुझे याद है हम लोग सब्जियों को बाहर से कुछ भी खरीदते थे तो अच्छे से धो के सोडे से धो के ये कर कितना कुछ हम करते थे, एफर्ट करते थे कि सब्जी हमारी सेफ हो बनाने से पहले। साथ साथ जो भीड़ भाड़ के इलाका है जैसे मंडी में जाना है तो वो भी, मंडी में जाने से भी आप बच जाते हो, आपका पेट्रोल भी बच जाता है और आपको फ्रेश सब्जी और नेचर के साथ जुड़ भी जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर तरह से विन विन सिचुएशन है ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो इस एपिसोड में हमने बात की है कि बिना मिट्टी के आप कैसे अपने घर के ऊपर अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं और आपके सेहत के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है। मैम का नेक्स्ट एपिसोड भी लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे कि घर के, अगर आप घर में किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां किस मौसम के साथ में उगा सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले और अच्छा प्रोडक्शन जो है वो मिले। आप जुड़े रहें द मीडियम के साथ।